नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन का बाईपास का क्षेत्र है, आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम में आज बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह का है कि हिमाचल प्रदेश में आज रात से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने वाला है और उसका प्रभाव आज और कल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। जहां निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है। हालांकि 2 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था तो उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला और वो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया था। हालांकि ऊंची चोटियों पर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां, चाहे लाहौल घाटी की हो या फिर कुल्लू जिला कुल्लू की हो, रोहतांग पास और रोहतांग दर्रा और शिंकुला दर्रा, तो वहां पर बर्फबारी पिछले दिनों जरूर हुई थी बुधवार की रात को, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से कल धूप खिली रही तो उससे मैदानी क्षेत्रों में और हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। यदि हम मौसम विभाग की माने तो बुधवार रात को अटल टनल रोहतांग और रोहतांग दर्रा ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई थी, तो उसके वजह से हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। माइनस में तापमान चला हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश किसी ऊंची चोटियों पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ माइनस में तापमान है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच गया है। यदि मौसम की बात करें तो रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा में उस दिन 10 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई थी। बारालाचा में 5 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड की गई थी। लाहौल के नॉर्थ पोर्टल शिशु में ताज़ा बर्फबारी हुई थी और गुरुवार को भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन गुरुवार को मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहा। तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ है हिमाचल प्रदेश में आज रात से एक और सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा देखने को अक्सर मिलता है कि जब पश्चिम विक्षोभ जिस दिन रात को सक्रिय होना होता है तो कई क्षेत्रों में सुबह ही बादल छा जाते हैं, तो इसी तरह का मौसम आज सोलन में है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही, तो उससे तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केलांग में हालांकि न्यूनतम तापमान इस वक्त माइनस में है, क्योंकि बुधवार रात को लाहौल घाटी और जो ऊंचाई वाले कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र में वहाँ हल्का हिमपात हुआ था, तो उसके बाद तापमान में वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। केलांग में न्यूनतम तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस है, कुकुमसेरी में 0.3 है, कल्पा में 2.8 है, ये माइनस में कुकुमसेरी भी, रिकांगपियो में 5.9 है, मनाली में 8.7 है, भुंतर में 8.8 है, नारकंडा में 9.1 है, कुफरी में 9.8, मंडी में 10.3, सोलन में 10.6, सुंदरनगर में 10.8, शिमला का न्यूनतम तापमान बढ़कर अब 11.8 हो गया है, ऊना और बिलासपुर में 12.77 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है, चंबा में 12.6 है और धर्मशाला में 15.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में पारा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मैदान हिमाचल प्रदेश के गर्म हो चुके हैं, मैदान के साथ अब पहाड़ भी तप रहे हैं, क्योंकि मौसम जैसे ही साफ हो रहा है तो उसके बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2 दिनों से धूप खिली हुई, हालांकि वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से ही धूप खिली हुई है। 1 अप्रैल को मौसम साफ हो गया था, 2 अप्रैल को भी मौसम साफ था, उसके बाद मौसम विभाग का पूर्वानुमान 3 और 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का था। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ ऊंची चोटियों पर, लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम साफ रहा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में पहले से ही मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान था, मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम खराब हो सकता है इस तरह की संभावना थी। क्योंकि जो 2 अप्रैल को मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया था उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान था, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ है, पर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ना बारिश हुई ना बाढ़।
और मैदानी क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से कोई पूर्वानुमान नहीं था कि 3 और 4 अप्रैल को वहाँ पर बारिश होनी है। उसमें हिमाचल प्रदेश का ऊना का क्षेत्र भी था, हमीरपुर जिला भी था, बिलासपुर था, कांगड़ा था, मंडी के मैदानी क्षेत्र थे, सोलन जिला के मैदानी क्षेत्र यानी प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन, अब जिला सिरमौर का पांवटा साहिब, कालाम धौलाकुआ का क्षेत्र, वहाँ पर बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से नहीं लगाया गया था, लेकिन 5 से 6 अप्रैल के बीच में मौसम विभाग की ओर से जरूर यह पूर्वानुमान है कि 5 जो आज रात को पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है उसके प्रभाव से प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो चाहे निचले क्षेत्र हो वहाँ पर बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। सोलन में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के बादल है कुछ एक क्षेत्रों में पूर्व की दिशा में और ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई हैं। और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं कंडा घाट से और बता रहे हैं कि कंडा घाट चायल में क्लाउडी और मिनिमम टेम्परेचर 11 वहाँ का है और मौसम बादल वहाँ पर छाए हुए हैं, माइनस जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर कंडा घाट का है। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मौसम बिल्कुल साफ है करसोग में। दीपांशु जी बॉक्सर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जय साहिब। सुनील ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुलदीप सिंह कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और मंगरूर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजीवीर सिंह जी। नंगल और श्रीपुर आनंदपुर साहिब में मौसम पूरा साफ है, बादल वहाँ पर छाए हुए हैं। मंगलूर में भी मौसम जो उनका पिंड है वहाँ पर मौसम साफ है। राजीव सैनी नंगल जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। कुलदीप शर्मा जी का स्वागत है। फतेह सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत करते हैं। विजय ठाकुर जी का स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी जुड़ गए तो उनका स्वागत है। और प्राणनाथ भारद्वाज जी जुड़े उनका स्वागत है। रिक्की वासुदेव जी का स्वागत है। वीर सिंह जी चुराग आल्सो क्लियर, चुराग के मौसम की जानकारी, चंबा के मौसम की जानकारी हमें आ गई है। तेन सिंह ठाकुर जी जुड़े उनका स्वागत है। कपिल देव जी जुड़े उनका स्वागत है। इंदर वर्मा जी, आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। वीर सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। राकेश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। डलहौजी में मौसम इस वक्त साफ है, डलहौजी से हमारे साथ जुड़े हैं राकेश जी। और राकेश पंडित विजय तिवारी जी जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजेश ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। संजीव कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। अनुपम शर्मा जी हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हैं, उनका स्वागत भी है और बता भी रहे हैं कि वहाँ का मौसम आज साफ है। माया शर्मा जी जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। स्वामी मोहन मुनि मोनू महाराज जी जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। पंजाब केसरी के बुलेटिन में पंडित विजय तिवारी जी का स्वागत है। और ज्वालामुखी से जुड़े हैं स्वामी मोहन मुनि मोनू महाराज जी, उनका हम स्वागत करते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप इस वक्त सोलन की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है। बादल यहां पर हल्के हल्के छाए हुए हैं। आज रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उसका प्रभाव आज भी हो सकता है और कल भी देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ों तक मौसम विभाग की ओर से बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी के साथ बारिश भी बताई हुई है। देखते हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में रहता है, क्योंकि 2 दिनों से मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लगाया गया था और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कि हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ है, लाहौल घाटी में हिमपात हुआ है और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हिमपात हुआ है। और धौलटा घनश्याम जी बता रहे हैं कि खड़ा पत्र में भी मौसम आज खराब है। और रविंदर कुमार लंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें लगातार मौसम की अपडेट आ रही है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्र में चला हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जरूर पूर्वानुमान थे, उम्मीदें जरूर बंधी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कई बार अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान होते हैं वो धरातल पर सही साबित नहीं होते, क्योंकि पूर्वानुमान है और पूर्वानुमान ठीक सही साबित भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए अनुमान लगाया जाता है। और मौसम विभाग की ओर से लगातार एक उम्मीद बांधी जा रही है कि बारिश होगी, क्योंकि किसान इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का। और मौसम पिछले दिनों 30 और 31 मार्च को जिस तरह से प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का एक दौर चला था,
तो उस दौरान मौसम में तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, तो पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन पहाड़ फिर से गर्म होने शुरू हो गए हैं दो दिनों की धूप के बाद। रविंदर कुमार लंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। पंडित विजय तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको हमारी न्यूज़ पसंद आ रही है। और इस न्यूज़ की विशेषता यह है कि आप लोगों के माध्यम से ही हमें मौसम की जानकारी मिलती है। मैं तो सिर्फ साझा करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी हमें आ रही है वो अन्य दर्शकों तक पहुंचाने की, तो हम आग्रह भी सभी दर्शकों से ही करते हैं कि आप कृपया करके हमें मौसम की जानकारी अपने क्षेत्र की दें कि किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में चला हुआ। राजरी कटनौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और रविंदर जी का स्वागत, पंडित जी का स्वागत, दिनेश कुमार जी, धोल्टा घनश्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। अशोक वर्मा जी का भी स्वागत है। आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मौसम की जानकारी जो आप लोगों के माध्यम से हमें मिली है वो अन्य दर्शकों तक पहुँचे, वो जाने कि किस तरह का मौसम खड़ा पत्थर का है, किस तरह का मौसम चुराग का है, किस तरह का मौसम सोलन का है, और प्रदेश के कोने कोने में, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है ये हिमाचल की नहीं बल्कि आनंदपुर साहिब की भी है और अमृतसर की भी जानकारी है, अलग अलग राज्यों की जानकारी भी दर्शकों के माध्यम से हमें मिल रही है। तो ओवरऑल पूरे नॉर्थ इंडिया की जानकारी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है था कि पश्चिम विक्षोभ पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, तो उसका प्रभाव हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सब में देखने को मिलना था। लेकिन जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़े हैं तो उससे किसानों की चिंताएं भी बढ़ रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो बारिश हुई और उससे मटर की फसल को लाभ हुआ है। लेकिन अब फिर से गर्मियां पड़नी शुरू हो गई है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो टमाटर को उससे नुकसान भी हो रहा है। और प्राणनाथ भारद्वाज जी, गुड एनालिसिस ऑफ हिमाचल वेदर, ये आप लोगों के वजह से ही है जी, आप लोगों जो जानकारी देने। और पंडित विजय तिवारी जी यूपी के मौसम के बारे में बताएं, तो यूपी के मौसम के बारे में तो ज़्यादा अनुमान मैं यहाँ से सोलन से नहीं लगा सकता, लेकिन मौसम विभाग का जो मानना था कि जो ये पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसके प्रभाव से आज और कल हिमाचल ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ इलाके, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, पहाड़ों में, मैदानी क्षेत्रों में नहीं, वहाँ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ 2 अप्रैल वाला भी हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया था, और इस बार ऐसा लग रहा है कि ये वाला पश्चिम विक्षोभ भी कमज़ोर पड़ सकता है, इस तरह की संभावना नज़र आ रही है। गत्ताधार में आज बादल छाए हुए हैं, गोपाल शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। साइको राजपूत जी भी जुड़ गए, रीता तूर जी भी जुड़ी हैं, गोपाल शर्मा जी भी जुड़ गए, अशोक वर्मा जी भी जुड़ गए, दिनेश डोगरा जी बता रहे हैं कि ठियोग में के घुटन में मौसम खराब है, वहाँ के वो जानकारी दे रहे हैं। और साइको राजपूत जी बता रहे हैं कि राजगढ़ का मौसम इस वक्त साफ है, राजगढ़ के मौसम की भी जानकारी आ गई है कि वहाँ पर मौसम साफ है। तो सोलन में भी कभी धूप कभी बादल इस तरह का मौसम बना हुआ है। और जीत जी हमारे साथ रोपड़ पंजाब से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के में मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी तप रहे हैं और पहाड़ों में लगातार तापमान अब बढ़ता जा रहा है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पहाड़ों में क्या स्थिति तापमान की रही है यह भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से तो तेज़ धूप, और हालांकि मौसम 1 अप्रैल से साफ बना हुआ है, लेकिन 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को प्रदेश में बादल छाए हुए थे। लेकिन 3 और 4 जब से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि बारिश होनी है, तो उसके बाद से वहाँ 3 और 4 यानी कल और परसों हिमाचल प्रदेश में तेज़ धूप खिली है, उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अधिकतम तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, और शिमला का तापमान इस वक्त 22.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भुंतर में भी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, 29.1 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान पहुंच गया है। पिछले दिनों भी यदि हम 28 और 29 मार्च की बात करें तो भुंतर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, कल्पा में 17.6 है, धर्मशाला में 26.7 इस वक्त मैक्सिमम तापमान चला हुआ है, ऊना में 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। ऊना इस वक्त बहुत गर्म है,
और ऊना के साथ बीबीएन का क्षेत्र भी गर्म है, वहां पर भी इसी तरह का तापमान इस वक्त देखने को मिल रहा है। 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही ऊना का तापमान चला हुआ है और नाहन में 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है, केलोंग में 8.4 है, सोलन में 29.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान देखने को मिल रहा है। और यदि हम सोलन की बात करें, मनाली में 22.5 है, मंडी में 30.6 है, बिलासपुर में 32.9 है, चंबा में 26.3 है, जुबड़हट्टी में 26 डिग्री सेल्सियस है, कुफरी में 15.8 है, नारकंडा में 15.6 है, रिकांगपियो में 22 डिग्री सेल्सियस, योबाग में 25 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 33.3 है। तो जब धौलाकुआं में 33.3 है तो पांवटा साहिब में भी कुछ इसी तरह का तापमान है, बट्टी में 31.8 है और कसौली में 25.4 है। कसौली का तापमान भी बढ़ा हुआ है, हिल स्टेशन है तो पहाड़ों में तापमान अब लगातार बढ़, पहाड़ों का तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पिछले चार दिनों से प्रदेश में मौसम साफ है। हालांकि ऊंची चोटियों पर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर अब बर्फबारी जरूर हुई है, उससे उस क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मैदान से लेकर पहाड़ हिमाचल प्रदेश के अब तपने शुरू हो गए हैं। अप्रैल का महीना है, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हरिचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, केवल शर्मा जी का स्वागत है, रिंकू जी बता रहे हैं कि रिंकू प्रधान जी कि मौसम ऊना का भी साफ है, तो कुल मिलाकर मौसम विभाग का जो पश्चिम विक्षोभ आज भी सक्रिय हो रहा है तो लग रहा है कि यह सक्रिय होने से पहले ही प्रदेश में कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया है और कल से तो प्रदेश में के मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान पहले से ही है, तो आज ही बारिश का मौसम बनना था कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा था। बलदेव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, हरिचंद जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की आपको दिखा रहे हैं, सोलन में बादल भी है तो बीच में मौसम साफ भी है, इस तरह का मौसम बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली है तो हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम है। मौसम विभाग के अनुसार तो आज बारिश होनी थी, हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो बारिश के साथ बर्फबारी भी होनी थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज रात से लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिम विक्षोभ में प्रदेश में सक्रिय होने से पहले ही कमज़ोर पड़ गया है। जिस तरह से 2 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना था, जो पहला पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होना था उसका प्रभाव 3 और 4 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलना था, जहां मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होनी थी वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान था। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ बताया गया था और मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ भी रहा और उस दौरान तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। ऊना का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, तो आने वाले दिनों में यदि मौसम इसी तरह का बना रहा तो तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बीबीएन का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, वहां भी 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। धौलाकुआं में 33.3 है, बाकी बट्टी में तापमान बढ़ा हुआ है, वहाँ भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। बिलासपुर का तापमान भी इसी तरह का है, सोलन में भी 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच गया है। तो यदि आज मौसम इसी तरह का बना रहा और धूप खिली रही तो तापमान में आज सोलन के भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कई शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाएगा। हालांकि मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान भी बारिश का है, देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है या नहीं, लेकिन पिछला पश्चिम विक्षोभ मध्य पर्वतीय क्षेत्र में तो ज़्यादा सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 अप्रैल की रात को बर्फबारी जरूर हुई है। वो लाहौल घाटी है, बुधवार की रात को लाहौल घाटी और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली, 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रोहतांग पास के दर्रे पर हुई है। तो इस तरह का मौसम जरूर बना है, आज बारिश का मौसम बीच बीच में बन रहा है लेकिन बादल छाए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बारिश होगी। किसान बारिश का इंतज़ार भी कर रहे हैं, लंबा वक्त हो गया है क्योंकि 30 मार्च और 31 मार्च के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई तो कई जगहों पर नहीं हुई, तो कुल मिलाकर लंबे समय से यदि हम बात करें, हालांकि कुल मिलाकर पिछले 3-4 दिनों से
मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला है। जैसे 1 अप्रैल को मौसम विभाग की ओर से बताया गया था कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे, तो 2 अप्रैल को भी मिक्स जैसा मौसम था। 3 और 4 को जब बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया तो प्रदेश में धूप खिली और धूप तेज थी, तो तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रेम ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, अमजद शेख जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, राज शर्मा जी का भी स्वागत करते हैं, बलदेव ठाकुर जी का भी स्वागत करते हैं, हरिचंद जी का भी स्वागत है, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारियाँ मौसम की मिली है और आप लोगों की ही जानकारी है। नंदराम शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, देवेंद्र यादव जी जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, राजीव कालिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। और सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद जी इस जुड़े।